ECAT मैथमेटिक्स F.Sc पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 जो कि कॉनिक सेक्शन है और इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उनमें पहला टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला और दूसरा है टॉपिक हमारा थ्योरम्स ऑन पैराबोला। और अब इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे जो कि हमें पैराबोला के कांसेप्ट को और बेहतर समझने में मदद देंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि द फोकस ऑफ द पैराबोला जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स ए वाई, यानी हम ये बात समझ सकते हैं कि जो फेस ओपन हुआ हुआ है इस पैराबोला का वो वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। यानी कि मैं इसको यूं बना सकता हूँ कि ये अगर मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इस पैराबोला की जो फेस होगी वो मतलब ऊपर की तरफ होगी, अपवर्ड होगी। अभी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होगा, ठीक है, यानी वो पॉइंट जहाँ पर कि ये जो है मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, या उस जो आप यूँ समझ लें कि उस लाइन को जो के फोकस को कंटेन कर रही है, ठीक है, या एक्सिस ऑफ जो पैराबोला है, अगर ये फोकस पॉइंट होगा तो ये वर्टेक्स होगा, ठीक है, और ये इतने ही फासले पर यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगा जो कि एक लाइन होती है, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो फोकस है, ठीक है, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी देखें इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ये तो इन सारों में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब ये असल में बात है, देखें हम अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच करें तो ये होनी चाहिए थी 4ay, लेकिन अभी ये 4ay नहीं लिखा हुआ, 6ay लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मैं अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लूँ, ठीक है, और इसमें से ये 4 फैक्टर जो है इसको एज इट इज आने दूँ और इसको 2 से 3 को मतलब 6 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दूँ 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये जो 3/2 है ये बेसिकली मेरे पास a है, ठीक है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3/2 टाइम्स a इंटू y। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास इस केस में जो a होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो इस केस में इस इक्वेशन में वो 3a/2 है, ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0 और पॉजिटिव में 3a/2 जो के फिर ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, इसलिए हम इसे मार्क कर देंगे और यही हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज। अब देखें हम ये बात जानते हैं अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो तो एक तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा और इसके जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी वो हमारे पास जो है वो कितनी होगी 4a होगी, ठीक है, इसकी हमने डेरिवेशन जो है वो बकायदा की भी है, हमने पैराबोला पे एक पॉइंट लिया था जिसमें कि x उसका कोऑर्डिनेट अगर a के बराबर हो तो उसके y कोऑर्डिनेट हम इस फार्मूला में यानी y की वैल्यू को फाइंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमने ड्राइव किया हुआ फार्मूला बेसिकली। चले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स को अगर दोनों दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो 16y और प्लस 64 आ जाएगा, ठीक है, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अगर 4 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, बल्कि 16 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है जी, y प्लस 4। अब y प्लस 4 एक वेरिएबल है, ठीक है, जैसे x हो या 4ay हो, ठीक है, अब इसमें इसको हम इस फॉर्म में अगर लिखें तो 4a इसमें 4 है और फिर y प्लस 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास जो इस केस में a आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है, और जब इस फार्मूला में a की जगह 4 पुट किया जाएगा तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो 16 आएगी जो कि फिर ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम बी और डी ऑप्शन पर तो गौर नहीं करेंगे, हम ए और सी पर गौर करेंगे और वो हमने देख लिया कि हमारे पास 16 बनती है, इसलिए हम इस ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट ये है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 जिसकी x एक्सिस और ऑर्डिनेट की वैल्यू है टू द पैराबोला जो कि हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी ये पैराबोला जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ या राइट साइड पे ओपन होगा,
यानी कुछ इसकी बनावट, इसका वर्टेक्स या ओरिजिन है, ठीक है, इस तरीके से ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, ये पैराबोलिक शेप बन रही है। जबकि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, अगर यहाँ पे ये फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स इतने ही इसके मतलब इस पैराबोला के वर्टेक्स से लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। अब देखें इसमें हमसे हमसे हमें जो बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि जो टेंजेंट होगा इस पैराबोला के लिए, ठीक है, यानी ऐसी एक लाइन जो कि सिर्फ इस पैराबोला को एक पॉइंट पर टच करेगी और यहाँ से यूँ पास हो जाएगी, ऐसी लाइन इसे हम टेंजेंट लाइन कहेंगे, इसकी क्या इक्वेशन हो सकती है। देखें हम जानते हैं कि स्लोप हमें जो है वो मतलब डेरिवेटिव जो हमें स्लोप दे सकता है, ठीक है, हम अगर इस फंक्शन को इसको इसका डेरिवेटिव ले दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का आ गया, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, फोर ए, चूंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हमारे पास वन होता है, ठीक है जी। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको लिख सकते हैं, ये इक्वल टू आएगा फोर ए डिवाइडेड बाय टू वाई, ठीक है जी, जबकि टू जो है वो फोर को कैंसिल कर देगा और टू आ जाएगा आंसर, यानी हमारे पास आंसर आएगा टू ए ओवर वाई। अब पॉइंट जिस पॉइंट पर हम ये स्लोप ले रहे हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वन और वाई है वाई वन, इसलिए यहाँ पर एट पॉइंट जब हम बात करेंगे एक्स वन वाई वन की तो यहाँ पर इसके साथ y1 पुट कर देंगे, ये तो आ गई स्लोप, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो जो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, जो स्लोप है जो कि 2a ओवर y1 है, ठीक है, इनटू x माइनस एक्स वन लिखेंगे हम। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करें, ठीक है, यहाँ से ये y1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y से भी, y इंटू वाई वन आएगा, माइनस वाई वन स्क्वेयर आ जाएगा, इसी तरह 2a x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2a जो है वो x1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो y1 स्क्वायर है, चूंकि ये पॉइंट पैराबोला का भी पॉइंट है, इसलिए y1 स्क्वायर जो है उसको हम 4ax1 लिख सकते हैं, जो कि इस साइड पर मूव होगा तो पॉजिटिव 4ax1 आ जाएगा। इसका मतलब y इंटू वाई वन ये किसके इक्वल आ रहा है, टू ए एक्स प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस टू ए एक्स वन में जब हम प्लस करेंगे 4ax1 तो ये 2ax1 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और इसमें से हम 2a अगर कॉमन ले लें तो ये x प्लस एक्स वन लिखा हुआ है, जो कि फिर ऑप्शन नंबर जो a है उसमें अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा ऑप्शन a है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम सी क्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला जो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और पॉइंट है जी x1 y1। जैसे अभी हमने इसे लास्ट एमसी को सॉल्व किया है, ठीक है, हमने लिखा था y माइनस वाई वन, ठीक है, इक्वल टू स्लोप और x माइनस एक्स वन, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप है वो हम डेरिवेटिव से ले सकते हैं, जो कि हमने देखा था कि डी वाई बाय डी एक्स जो है वो इक्वल टू आ रहा था किसके जी, टू ए ओवर y के, ठीक है। अब ये तो टेंजेंट की स्लोप है, अगर इसके नॉर्मल की बात करें या ऐसी लाइन जो कि इस लाइन के साथ जिसकी स्लोप 2a ओवर y है परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल होगी, ठीक है, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो फिर हम जो नॉर्मल की स्लोप है m वो क्या लिखेंगे, y ओवर 2a विद नेगेटिव साइन, और एट पॉइंट जब हम x1 y1 की बात करें तो यहाँ y1 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो अगर आप देखें तो ये y माइनस y1 इक्वल टू m और m की जगह माइनस वाई वन ओवर टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये ऑप्शन नंबर b में अवेलेबल है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन b है वो बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला जिसका फेस ओपन है राइट साइड पे। नेक्स्ट एम सी क्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ जीरो जीरो इज द वर्टेक्स, यानी ओरिजिन अगर वर्टेक्स हो और जीरो माइनस फाइव ये जो कॉर्डिनेट है ये फोकस के लिए, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज। अब देखिए हमें ये बात पता चल रही है कि जो फोकस है वो y एक्सिस के ऊपर आ रहा है और नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर ये हमारे पास x एक्सिस हो लाइन, ठीक है, इस लाइन को अगर हम x एक्सिस कह रहे हो तो फोकस जो है वो कहीं यहाँ पर होगा, फर्स्ट पर ये फोकस है, ठीक है, ये वर्टेक्स है तो इसका फेस एक तो डाउनवर्ड ओपन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ये इस तरह से डाउनवर्ड जो है ओपन हो रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन है, चूंकि ये सिमेट्री अबाउट नेगेटिव y एक्सिस है तो हम इसे लिखेंगे कि ये x स्क्वायर इक्वल टू मतलब माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20y, यानी हम बाय प्रॉपर्टी भी जो है वो ऑप्शन ढूंढ सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग से और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन होगा,
और अगर हम इसकी वैल्यू भी पुट कर लें ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है ठीक है, जो क्या आ रही है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 4ay भी लिखते हैं ठीक है, 4ay, तो इसमें a की वैल्यू आप जब पुट करोगे, चूँकि हमारे बल्कि माइनस 4ay ठीक है, चूँकि a जो है ये अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका इसकी वैल्यू अगर ओरिजिन से ली जाए अबव द एक्स एक्सिस तो ये पॉजिटिव 5 है ठीक है, ये पॉजिटिव 5 है और इस तरह से नेगेटिव 5 है, तो अगर पॉजिटिव 5 पुट की भी की जाए तो ये 4 × 5 टाइम y, तो ये 20 माइनस 20y ही बनता है ठीक है। यानी हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट मतलब अगर प्रॉपर्टी यूज़ कर ले कंसेप्ट हम, तो डायरेक्ट ही माइनस 20y लिख सकते हैं। तो इस दोनों तरह से हमने देखा कि हमारा ऑप्शन सी ही यहाँ पर जो है वो बेस्ट जो है वो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस ऑन द पैराबोला इज, यानी अगर मैं एक इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ पैराबोला की जो कि है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ठीक है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली भी देख लें साथ साथ ठीक है, मैं इस पैराबोला को ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका जो ओपन एंड होगा वो फेस ओपन होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, फर्ज कर लें इस तरह से ठीक है, ये इस तरह से ओपन हुआ हुआ है पैराबोला ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स है जबकि इसका फोकस जो है वो यहाँ पर कहीं पर है ठीक है, जिसके अगर कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ए होगा, फर्ज कर लें। अब मैं इस पैराबोला पे इस वर्टेक्स के अलावा कोई और एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ पी ठीक है, और इस पी और एफ का अगर डिस्टेंस लेना चाहता हूँ मैं ठीक है, फर्ज कर लेता हूँ कि ये एक्स और वाई जो है मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो पी एफ डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा ठीक है, मैं जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा, मैं इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करूंगा, यानी x में से 0 माइनस करूंगा x आएगा और उसका स्क्वायर, प्लस अब y में से a को माइनस करूंगा और इसका करूंगा मैं स्क्वायर ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये देखिए मेरे पास क्या जवाब आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस बल्कि प्लस a स्क्वायर ठीक है जी। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो 4ay के इक्वल है ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिख सकते हैं ठीक है, यहाँ पे 4ay आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay और प्लस ए स्क्वायर ठीक है जी। अब देखें इसमें हम मजीद ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर एज इट इज़ ठीक है, वाई स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस 2ay में प्लस कर दें 4ay तो प्लस 2ay आ जाएगा ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया जो कि है y प्लस a के होल स्क्वायर का, तो स्क्वायर स्क्वायर उससे ख़त्म हो जाएगा, और हमें पता ये चल रहा है जो pf डिस्टेंस है, यानी p एक कोई भी पॉइंट है अदर देन वर्टेक्स, उसका डिस्टेंस जब फोकस से लिया जा रहा है तो वो y प्लस a के एक पल आ रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट प्लस a के ठीक है। अब जबकि फोकस का अगर डायरेक्ट वर्टेक्स से डिस्टेंस लिया जाए क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस एफ से वी आ रहा है वर्टेक्स आ रहा है ये तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये तो ए आ रहा है और ये उससे ज़्यादा आ रहा है, इसमें प्लस हो रहा है वाई, इसका मतलब कि जब पी पॉइंट बी पे आएगा तो ये ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिर 0 हो जाएगा। इससे हमें ये बात क्लियर हो रही है यहाँ से कि जो वर्टेक्स ही है वही सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है पैराबोला का जो कि इस फोकस से क्या होता है जी, करीब होता है, इसलिए हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट दिस पॉइंट, जो पॉइंट में एप्सिसा है वो है 81 स्क्वायर और ऑर्डिनेट है इसका 281 इज, यानी ग्रेडियंट कहते हैं जी स्लोप को। अब नॉर्मल की जो स्लोप है इस पैराबोला के लिए और इस पॉइंट पे इनमें से किस ऑप्शन में लिखी हुई है, ये बात हम जानते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है वो हमें फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव स्लोप बता देता है ठीक है उस फंक्शन की, तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव ले लें 2y dy/dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे जब हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो 4ay आंसर आएगा ठीक है, चूंकि एक्स का डेरिवेटिव
जो है वो 1 होगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो कि टेंजेंट की स्लोप है, वो बन रही है 4a/2y, ठीक है, जिसमें के जो 2 है वो 4 से कैंसिल होकर 2a/y आंसर आ रहा है। अब जो नॉर्मल की स्लोप होगी या ग्रेडियंट होगी, वो बेसिकली जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे, जब y को हम 2a/t1 पुट करेंगे, ठीक है, तो वो इसका रेसिप्रोकल होगी, जो कि मैं m कह रहा हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल या ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगी, नेगेटिव ऑफ y/2a होगी, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए y की जगह इसकी वैल्यू पुट करें अगर हम 2a/t1, ठीक है, ओवर 2a, तो 2a 2a से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा आंसर नेगेटिव ऑफ t1 आ जाएगा, जो कि फिर ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। और हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे, जो कि नेगेटिव ऑफ t1 है। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो इसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 होती है, मतलब ये भी पूछा जा सकता है। इस एमसीक्यू में नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा था कि अगर हम फ़र्ज़ करें एक कर्व देखते हैं पैराबोला का, ठीक है, मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर जो है वो बात कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं, आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। अब मैं अगर पैराबोला का फेस जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस तक ओपन करता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो मैं कर्व बना रहा हूँ, आखिर ये प्लेन के जो मैं पॉइंट्स ट्रेस कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ, ये क्या फंक्शन है पैराबोला का, और इसकी सेंट्रिसिटी जो है 1 क्यों है, यानी 1 रखी जाती है। फर्ज करें ये वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एफ, और इससे मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाए आप इतनी फासले पर जितने यहाँ पे फासला, यहाँ एक पॉइंट हम ले लेते हैं एम या पी, ठीक है, और इसी के मतलब हम यूँ कहेंगे इतने ही डिस्टेंस पे ओरिजिन से रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अब इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली एसेंट्रिसिटी जो है वो डिस्टेंस है, अगर फर्ज करें मैं मतलब एक रेशियो है सेंट्रिसिटी की, अगर फर्ज करें मैं एक पॉइंट लेता हूँ क्यू पैराबोला का, जो कि कहीं भी हो सकता है, अगर एफ से उसका डिस्टेंस लिया जाए और उसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर इस डायरेक्ट्रिक्स से लिया जाए, तो ये बराबर आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यह हमने जो पैराबोला ड्रॉ किया वो बिल्कुल करेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी इसमें करेक्शन है, ठीक है, यानी इसको और ज़्यादा जो है उसको मतलब यहाँ से ओपन होना चाहिए इसके फेस को, ठीक है, यहाँ से मुझे इसको और ज़्यादा दूर बनाना चाहिए था, क्योंकि ये डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। फर्ज करें अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मैं डिस्टेंस लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक बराबर होंगे, तो जो पैराबोला शेप है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी जो इसी का मिरर इमेज आ रहा है वाई एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, तो ये बेसिकली इसको हम एसेंट्रिसिटी इस वजह से कहते हैं 1 है, क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उनका डिस्टेंस अगर एफ से लिया जाए ये डिस्टेंस, और किसी क्यू पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिया जाए, यहाँ पर कोई पॉइंट एम हो, तो ये रेशियो 1 आती है। इसलिए हम कहते हैं कि एसेंट्रिसिटी ऑफ जो पैराबोला है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है।